ब्रिज मोहन योग केंद्र आरा भोजपुर बिहार में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और गर्मी का महीना चल रहा है और गर्मी के मौसम में कैसे हम अपने शरीर को शांत रखें, सरल रखें, सहज रखें और ठंडा रखें, क्या शीतलता प्रदान करें, उसके लिए आज मैं आपको कुछ प्राणायाम बताने वाला हूं, जिसमें शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये चार प्राणायाम यदि आप गर्मी में आप नियमित रूप से करते हैं तो आपको क्या क्या लाभ मिलेगा। आपको ना शुगर होगा, ना कभी बीपी बढ़ेगा, ना कभी आपको लकवा मारेगा, ना आपको अनिद्रा की बीमारी होगी, ना कभी लड़ाई झगड़ा होगा और पढ़ाई में भी मन लगेगा, मन आपका शांत रहेगा, कभी अशांत नहीं होगा। यानी डिप्रेशन से भी बचेंगे, तनाव से भी बचेंगे, क्रोध से भी बचेंगे, लड़ाई झगड़ा से भी बचेंगे। और जब ऐसा होगा तो हमारे जीवन में क्या होगा, सुख की प्राप्ति होगी, आरोग्य मिलेगा, हम बीमार नहीं होंगे। तो इसलिए कहा गया है कि बीमारी का एक ही कारण है, शरीर में असंतुलन, अनबैलेंस हो जाए किसी चीज़ का, अंगों का, तो हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न होगी। तो भाई, रोग रहित होने के लिए आपको सीधे बैठ जाइए, आप सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में बैठ सकते हैं। बैठने के बाद आप ध्यान मुद्रा लगाइए, आप दोनों हथेली के, आप देखिए अंगूठा और उसका जो तर्जनी है उसका अग्रभाग को मिलाने के बाद तीनों उंगलियों को सीधा कर लेते हैं और ये ध्यान मुद्रा बन जाएगा। ध्यान मुद्रा में बैठने के बाद पीठ को सीधा, गर्दन भी सीधी करेंगे और जीभ को बाहर निकालेंगे इस प्रकार, नली जैसा, हाँ, और नली नुमा जीभ बनाकर उससे हम सांस को अंदर खींचते हैं, हवा को। जब हवा को अंदर खींचेंगे तो जैसे ही हम मुंह को बंद करेंगे तो कंठ के पास ठंडक महसूस होगा, हो रहा है बेटा, लगेगा कि बर्फ है, बर्फ जैसा लगेगा। इसको 5 बार करना है आपको, शरीर के जलन को, दाह को, गर्मी को भी कम करेगा। इससे आपका आंत ठीक रहेगा, इससे आपका पेंक्रियाज ठीक रहेगा, इससे आपका लीवर और किडनी ठीक रहेगा, क्योंकि इससे हमारे शरीर में ठंडक मिल रही है, इससे हमारे शरीर को शांति मिल रही है। अब ये जब शीतली प्राणायाम कर लेंगे, करके दिखाओ बेटा एक बार बढ़िया से, जीव निकालो पूरा, हाँ ये देखिए अंदर खींचेंगे तो इसमें हो क्या रहा है कि जीभ रहता है भीगा हुआ, नहीं दिखाओ तो बेटा एक बार, जीभ में पानी है, नमी है, और नमी से होकर के जब हवा को अंदर ले जाएंगे, जैसे नदी किनारे बैठने पर कैसे ठंडा लगता है, तो उसी प्रकार जब पानी के साथ हवा अंदर गुजारिएगा तो आपको ठंडक मिलेगी। अब इसके बाद क्या करेंगे, आपको शीतकारी, शीतकारी में क्या करेंगे, दांत को सटाएंगे, ओठ को अलग रखेंगे, दांत दिखेगा, दिखा बेटा एक बार थोड़ा, हाँ, आ दांत के छिद्रों से हवा को अंदर खींचेंगे तो इसमें भी वही क्रिया हो रही है और इसमें लाभ बढ़ जाएगा। इसमें लाभ क्या बढ़ेगा, आपको दांत की बीमारी नहीं होगी, दांत से खून नहीं निकलेगा, मसूड़े सूजेंगे नहीं, आपको पायरिया की बीमारी नहीं होगी, मुख से दुर्गंध नहीं आएगा और दांत आपके हमेशा हेल्दी रहेंगे और अच्छे रहेंगे। और शीतकारी और शीतली दोनों अभ्यास 5-5 बार, 10-10 बार आजकल रोज करना चाहिए, क्योंकि अभी ही 40 डिग्री लगभग टेम्परेचर चल रहा है। ये शरबत का काम करेगा, ठंडाई का काम करेगा शरीर में। अब देखिए क्या करेंगे, इसके बाद आपको करना है चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम में चंद्रमा का ध्यान करेंगे, और चंद्रमा का ध्यान कैसे होगा, क्योंकि हमारे नाक में 2 छिद्र है, बाया नाक और एक क्या होगा, दाहिना। तो बाया जो नाक है वो कौन सा स्वर है, चंद्र स्वर। दाहिना नाक कौन सा स्वर है, सूर्य स्वर। अब चंद्रमा ठंडा है कि गर्म, ठंडा। सूर्य क्या है, गर्म। तो अभी हम लोगों को गर्मी के दिन में सूर्य का ध्यान करना है कि चंद्रमा का, चंद्रमा का।
तो सूर्य स्वर का इस्तेमाल करेंगे कि चंद्र स्वर का? चंद्र स्वर का। तो चंद्र स्वर का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें आपको क्या करना होगा कि केवल बाएं से सांस भरेंगे और दाहिना से छोड़ेंगे, दाहिना से लेंगे नहीं। तो शुरू करिए, दो मिनट कम से कम। दाहिना हाथ उठाइए और अपना दाहिना नाक पहले बंद करिए और बाएं नाक से धीरे धीरे सांस भरना शुरू करिए और धीरे धीरे लंबा भरिएगा और लंबा भरने के बाद धीरे धीरे बायां बंद करके दाहिना से छोड़ दीजिए। जब दाहिना से छोड़ दीजिएगा तो फिर दाहिना को बंद करिएगा, बायां से भरिएगा। यानी दाहिना का प्रयोग केवल सांस को छोड़ने में करना है और सांस लेने में केवल बाएं नाक का प्रयोग करना है। तो ये हो जाएगा हमारा चंद्रभेदी। अब चंद्रभेदी जब प्राणायाम करेंगे तो लाभ क्या होंगे? हमारे शरीर में ठंडक मिलेगी, शरीर को शीतलता मिलेगी और हमें गर्मी से, दाह से, जलन से मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ हमारा माइंड रिलैक्स रहेगा। कहा गया है कि पैर गर्म, पेट नरम और माथा ठंडा। तो माथा हमारा जब ठंडा होगा, सर हमारे ठंडे होंगे, तो सोचने की शक्ति, कार्य करने की क्षमता और हमारे माथे में कभी भी किसी के प्रति दुर्भावना नहीं होगी। अब चंद्रभेदी हमारा ये हो गया। अब इसके बाद करना है अनुलोम विलोम। अब बेटी बोलो, अनुलोम विलोम में क्या करना है? बाएं नाक से सांस लेते हैं, हाँ, दाहिने से छोड़ते हैं और फिर दाहिने से लेते हैं, हाँ, बाएं से छोड़ते हैं। अंशु जी, अनुलोम विलोम में क्या करेंगे? कौन से नाक से लेंगे पहले? बाएं नाक से लेंगे सांस, दाएं से छोड़ेंगे, दाएं से श्वास लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। बहुत बढ़िया। तुम बाबू बोलो, पहले बाएं से लेंगे सांस, फिर दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से लेंगे, फिर बाएं छोड़ेंगे। बहुत। तक करके दिखाइए आप लोग। अब यहाँ देखिए, अब अंगूठा को दाहिने नाक पे रखा गया है, बाएं से लिया जा रहा है, फिर लेके बाएं को बंद किया गया, फिर दाहिने से सांस को धीरे धीरे छोड़ रहा है आदमी, फिर दाहिने को लेकर उसी से ले लेना है दाहिने से, फिर दाहिना बंद करके बाएं से छोड़ा जा रहा है। विधि को सीखना है। मैं बार बार कहता हूँ, पीठ सीधा, पीठ सीधी हो, आंखें बंद हो, ध्यान चंद्रमा पे रखिए, गर्मी का दिन है, अपने सांसों पर ध्यान रखिए और प्रार्थना करिए प्राण देवता से कि हे प्राण देवता, आप बहुत महान हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, आप अपनी थोड़ी सी भी शक्ति यदि हमें अपने शरीर को दे देंगे तो हम स्वस्थ हो सकते हैं, हम सन्मार्ग की तरफ चल सकते हैं। पीठ को सीधा रखना है, एकदम तान करके, हम कोई अलग से तनाव नहीं पैदा करना है, पीठ सीधा करना है, एकदम रिलैक्स मूड में इसको करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बेटियों के द्वारा और कैसे प्राणायाम किया जा रहा है, कैसे यहाँ पर योग के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ करने की जो योजना बनाई गई है उस पर कैसे हम कार्य कर रहे हैं। एक बात और ध्यान रखना है कि योग के द्वारा हर प्रकार के बीमारियों का पूर्ण सफाया कर सकते हैं। यही एक थेरेपी है, यही एक रेमेडीज है, यही एक व्यवस्था है, यही एक चिकित्सा पद्धति है कि जिसमें न दवाई की व्यवस्था है, न आपको कोई पैसे की व्यवस्था है। आप बिल्कुल नेचुरल, प्राकृतिक रूप में आप इसका अभ्यास करके अपने आप को यानी तन और मन को स्वस्थ बना सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि भैया करें योग, रहें निरोग, रोज करें, नियमित रूप से करें, प्रतिदिन करें और इसका लाभ लीजिए। अनुलोम विलोम, चार प्राणायाम, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी और अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये मात्र चार प्रकार के प्राणायाम करने से जीवन में कभी भी आपको हाई ब्लड प्रेशर, आपको तनाव की बीमारी, चिंता की बीमारी, क्रोध की बीमारी, डिप्रेशन की बीमारी, ये सब नहीं होंगे। और आपको दांत की बीमारी, मसूड़े की बीमारी, मुख में दुर्गंध की बीमारी, साथ ही साथ पैंक्रियाज, आपका लीवर, आपका किडनी, आपका हार्ट, आपका श्वसन तंत्र, आपके सारे के सारे जो अंग हैं वो सारे अंग धीरे धीरे अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगेंगे। क्योंकि जब आप तनाव रहित होते हैं, आराम करते हैं,
तो कितना सुकून मिलता है, कितने आपको लगता है कि आहा क्या आनंद आ रहा है। ठीक उसी प्रकार जब आप ये चारों प्राणायाम करेंगे तो आपके जो भी अंग हैं वो अपने आप को धन्य महसूस करेंगे कि चलिए आज लग रहा है कि हमारा मालिक हमसे प्रेम कर रहा है और हमें आराम दे रहा है। नहीं तो सारे अंग 24 घंटे कार्य में लगे हुए हैं, ये कभी रुकते थकते नहीं हैं। जिस दिन हृदय थक जाए, जिस दिन सांस की गति रुक जाए, हमारा जीवन का अंत उसी दिन हो जाएगा। इसलिए एक बार ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करेंगे और नियमित रूप से योग करने के लिए आप तत्पर रहिए। धन्यवाद।